इस प्रयोग का उद्देश्य तारों के गुच्छे से प्रभावित होने वाले विद्युत द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। इस प्रयोग के लिए हमें अत्यंत साधारण से उपकरणों की आवश्यकता होगी। 24 गेज के विद्युत अवरोधित तांबे की तार जो हमें बाजार में कहीं भी उपलब्ध हो सकती है, संयोजन तार, 12 वोल्ट की बैटरी, गत्ता या प्लास्टिक शीट और लोहे का बुरादा। एक खोखली ट्यूब पर तांबे की तार को 20-25 बार लपटें। चित्र में दिखाए गए तरीके से गत्ते को या प्लास्टिक शीट को रखें। गत्ते पर लोहे के बुरादे को फैलाएं। तारों को दोनों छोर को बैटरी से जोड़ें और विद्युत प्रवाह शुरू करें। उंगलियों से गत्ते को हल्का सा झटका दें और फिर लोहे के बुरादे की रचना को निरीक्षण करें। हमें धीरे धीरे परिपथ से विद्युत प्रवाह को बढ़ाएंगे और लोहे के बुरादे में होने वाली परिवर्तनों का निरीक्षण करेंगे। जब तारों के गुच्छे से विद्युत प्रवाह होने लगता है तब उसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की रेशाओं की निर्मित शुरू हो जाती है। वो गोलाकार होती है। जैसे जैसे हम तारों से दूर जाने लगते हैं वैसे वैसे चुंबकीय बल रेशाओं को दर्शाने वाले संकेंद्रित वृत्त एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, अर्थात इन दो वृत्तों के बीच का अंतर बढ़ता ही जाएगा। जब विद्युत प्रवाह बढ़ता है तब चुंबकीय बल रेशाएं अधिक स्पष्ट हो जाती है। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दो निष्कर्ष हैं। जब तारों के गुच्छे से विद्युत प्रवाहित होता है तब गुच्छे के हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित वृत्त निर्माण होते हैं। ऊपरी प्रयोग से ये पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु की तीव्रता परिपथ से प्रभावित होने वाले विद्युत प्रवाह पर निर्भर होती है।